इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। राजस्थान विधानसभा 2018 नजदीक है और इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है तैयारियों के लिए। इसलिए भाजपा से भारी उम्मीद है लोगों को, तो वहीं विपक्ष से भी कई उम्मीदें लोगों को बरकरार है। इसी के बीच में राजनीतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक, ये तीनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। किस तरह राजनीति के क्षेत्र में ये सभी मुद्दे चुनावी दौर में आते हैं और चुनाव के बाद में ये सभी मुद्दे एक तरह से तूफान आने के बाद में शांत हो जाते हैं। क्या करेगी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, इसी के बीच इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद है स्वच्छ भारत अभियान की प्रदेश प्रभारी और भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता दीक्षा खंडेलवाल। आज हमारे साथ हमारे चैनल में मौजूद है दीक्षा खंडेलवाल। दीक्षा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे खास प्रोग्राम डाली जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीक्षा जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं, राजनीति के क्षेत्र में फर्श से अर्श तक का सफर कैसा रहा? देखिए, अभी तो थोड़ा ही सफ़र चले हैं, अभी तो कठिन, अभी तो बहुत आगे तक है ये सफ़र, बड़ा कठिन होता है जैसा कि आप भी जानते हैं। लेकिन हाँ, मैंने छात्र राजनीति से इस सफ़र को शुरू किया, उसके बाद जिले में काम किया और जिले के बाद मुझे प्रदेश में मौका मिला और अब मैं काम अपना करती हूँ और करके दिखा रही हूँ। स्कूली दौर की अगर बात करें तो राजनीति वहीं से सीखी या विश्वविद्यालय के समय ये राजनीति परवान पर चढ़ी? एक्चुअली हाँ, बचपन से बहुत सारे घर के, जिसे हम कहेंगे कि मेरे आपसी जो लोग थे वो शायद मेरी इस स्किल को जानते थे, उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि हाँ ये वो गुण है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो हाँ, कॉलेज राजनीति से मुझे लगा कि राजनीति मुझे करनी है और ये एक क्षेत्र है जो मैं, मुझे चुनना चाहिए। विश्वविद्यालय के समय किसी एक पार्टी को चुनना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि छात्र राजनीतिक परवान पर होती है, तो उस समय कैसा अनुभव रहा आपका, क्योंकि एक पार्टी के साथ में जाना तय होता है? देखिए, ये आपका प्रश्न, मैं बिल्कुल एक बात मैं अपना पर्सनल कहना चाहूँगी कि ये प्रश्न आपका बहुत सही है कि एक युवा के लिए किसी एक पार्टी को चुनना, किसी एक संगठन को चुनना, किसी एक ऐसी पार्टी को चुनना जिससे उसको उम्मीद हो या उसे लगता है कि ये पार्टी हमारे हित में काम करेगी, युवाओं के हित में काम करेगी, देश के हित में काम करेगी। तो जब मैं कॉलेज में आई तब मुझे ये निर्णय लेने और सोचने का समय इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मेरी विचारधारा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी। मेरे दादाजी के समय से, मेरे पिताजी के समय से, मैंने घर में जब से बड़ी हुई हूँ वही कमल का फूल देखा है, वही कमल की विचारधारा हमारे अंदर है। तो फिर तो कोई प्रश्न ये था नहीं कि किसी और पार्टी के साथ, और कांग्रेस का कार्यकाल देखा है तो कार्यकाल से कंपैरिजन अगर करते हैं तो भाजपा में मुझे वो उम्मीद नज़र आती थी एक युवा होने के नाते कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है या भारतीय जनता पार्टी का आज जो हम लोगों की 19 राज्य में सरकार है, शीर्ष नेतृत्व हम लोगों का है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जनता की सेवा करने का और सही मायनों में वो सारे सपने, वो सारी उम्मीदें जनता की पूरी करने का। अगर एक तरह से अगर यूँ कहे कि राजनीति आपको वसीयत में मिली क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं उनसे ये राजनीति का दौर शुरू हुआ और इस दौर को आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी? नहीं, वसीयत में मिली तो तब होता जब आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली आप किसी पद पर होते, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का उसमें है ही नहीं वो, कि आप फैमिली के साथ में अगर हो और फिर आप एकदम से कर रहे हो, वो चीज़ तो हमारी विचारधारा है ही नहीं। यहाँ तो अगर आपके पिताजी मुख्यमंत्री भी होंगे या आपके घर में कोई मंत्री भी होंगे तो आपको उसी तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना, जमीन पे काम करना, जैसे कि आम कार्यकर्ता करते हैं। आज मेरे साथ युवा मोर्चा में कई ऐसे लोग हैं या कई ऐसे युवा साथी हैं
जो जिनके दादा परदादा पिताजी सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी मेरे साथ उसी पंक्ति में खड़े होकर काम कर रहे हैं जिसमें मैं कर रही हूँ। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आपका जो प्रश्न की विरासत में मिली है, हाँ विरासत में मुझे वो सीख मिली है, वो संस्कार मिले हैं, वो विचारधारा मिली है, ये कहना बहुत हद तक सही है। राजनीति में सक्रिय हुए कितने साल हो गए आपको? मैंने बताया छात्र राजनीति से मैं राजनीति को समझी, राजनीति को किया, राजनीति को थोड़ा अपने पास आने दिया या अपने अंदर राजनीति की जो कहते हैं हम सोच है उसको पनपने दिया। लेकिन पूर्णतया 3-4 साल से मैं या कहें 5 साल से मैं राजनीति को सक्रिय रूप से देख रही हूँ। छात्र राजनीति के कुछ समय के यानी 1.5-1.5 साल के ड्यूरेशन में थोड़ा सा पारिवारिक और विवाह के कारण कुछ वो चीज़ें रही कि एकदम से थोड़ा, लेकिन वापस जब मैंने अपने राजनीति को संभाला या अपने कार्य को संभाला तो फिर मुझे वही मेहनत और वो सब कुछ करना पड़ा और आज आप लोगों के सामने मैं। दीक्षा जी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में जिस पद पर है, क्योंकि उस पद पर पूर्व में भी कई दिग्गज अपनी मेहनत कर चुके हैं, अपनी मेहनत से हर कार्यकर्ता आगे बढ़ता है जी, तो आप कार्यकर्ता से और इस पद पर किस तरह पहुंचे? देखिए, मैंने जब जिले में काम किया तो काफी हद तक हमें टास्क मिलते थे प्रदेश से, तो दैट टाइम आई वाज इन महिला मोर्चा, बट आई वॉज लाइक, मुझे लगता था कि इट्स नॉट अ सुटेबल प्लेस, लाइक लगता था कि थोड़ा भागा दौड़ी वाले काम मिले, थोड़ा जिम्मेदारी वाले काम मिले, थोड़ा ज़्यादा मेहनत हमसे करवाई जाए तो हमें अच्छा लगेगा, मतलब एक खुद को ऐसा लगता था। तो जब जिले में थी तो काम करती गई, फिर मुझे प्रदेश महिला मोर्चा से, प्रदेश बेसिकली मेरा रहना जयपुर होता था, तो सभी लोगों को लगा, शीर्ष नेतृत्व को लगा, आला कमांस को लगा कि मुझे प्रदेश का ही दायित्व देना चाहिए, जिससे कि मैं सभी जगह भागा दौड़ी जो हम लोगों का बेसिकली युवा मोर्चा को जो एक दिया जाता है काम वो कर पाऊंगी। तो जब मैंने जिले से काम शुरू किया, फिर प्रदेश कार्यालय से टच में रही, तो प्रदेश कार्यालय में मेरा काम देखा गया, उसके बाद में सभी लोगों को लगा कि दीक्षा ये कर सकती है, तो फिर मुझे युवा मोर्चा में काम करने का मौका मिला। आपको युवा मोर्चा में काम करने का मौका मिला ये आपने अभी बताया। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि आपके परिवारजनों में राजनीति में कुछ सक्रिय है, आपके जैसे पिताजी हैं और आपके दादाजी भी राजनीति में सक्रिय रहे थे, तो राजनीति परिवार से जुड़ा होना कुछ फ़ायदा मिलता? नहीं, एक्चुअली फ़ायदा और नुकसान मैंने आपको पहले भी अपने शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तो वो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरीके की है, लेकिन हाँ मैं फिर कहूँगी कि काम करने का तरीका और संगठनात्मक जो हम कहेंगे नॉलेज, वो हमें बहुत हद तक परिवार से सीखने को मिलती है अगर परिवार इसी विचारधारा के साथ हो तो। और भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता मैं कहूँगी कि अगर परिवार के एक व्यक्ति भी इस विचारधारा से जुड़ा है तो फिर परिवार अछूता नहीं रहेगा इस विचारधारा से, फिर परिवार के सभी लोगों को इस विचारधारा को खुले भाव से गले लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जनता के हित में काम करती है, जनता के लिए सोचती है, हर एक व्यक्ति के लिए सोचती है, और सच मायने में ये देश के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो अपने आप परिवार का जुड़ाव हो जाता है कि नहीं हमें यहाँ जाना है, तो जब एक भाई जाता है तो उसका दूसरा भी जाने लगता है, तीसरा भी जाने लगता है, वही हमारे साथ हुआ, जब पापा ने किया तो फिर हमें भी अच्छा लगने लगा, तो हमने विद्यार्थी परिषद में किया तो पापा सपोर्ट करते भी थे कि चलो ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में काम करने का जिले में मौका मिला, फिर परिवार का होता था कि नहीं इस पारिक कार्यक्रम में जाना है, कभी कुछ होता तो परिवार का सपोर्ट वहाँ ऐसे मिलता है कि ये कार्यक्रम में आपको जाना है और आपको वहाँ अपनी ये बात रखनी है, तो वो चीज़ तो एक लगता है कि परिवार से सीखने मिलती है। आपने कहा कि पिताजी ने आपकी बहुत सारी मदद करी, तो हर माता पिता की आशा होती है कि उनके बच्चे हर जिस भी फील्ड में जाए उनका नाम रोशन करें, कभी सोचा था कि राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे? क्योंकि हर माँ बाप का सपना रहता है कि मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, सरकारी बाबू बनाऊं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद आपने उनका सपना पूरा किया या नहीं? कोई नहीं चाहता कि राजनीति जैसे क्षेत्र में महिलाएं आए, पहली बात, और एक लड़की के लिए परिवार में इस अवस्था में, यानी जब आप युवा एज में हो और आपके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं हो कि आपको डायरेक्टली जो मैंने कहा कि डायरेक्टली आपके लिए कोई बहुत सुंदर सा पद सजा हुआ बैठा है, आपको उस पर जाके बैठना, ऐसा तो नहीं था। तो घर वालों को भी ये पता था कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी और संगठन में काम भी बहुत होता है तो भागा दौड़ी भी हो जाएगी, तो वो चीज़ तो घर वालों का हमेशा होता था कि नहीं अभी तुम ना ठीक है कॉलेज राजनीति क्या दैट इज़ ओके, नाउ यू हैव टू लाइक फोकस ऑन योर लाइफ, तो वो चीज़ तो उनका हमेशा प्रेशर मुझ पर रहता था, तो वो चीज़ थी। लेकिन उसके बावजूद जब मुझे मुख्यमंत्री साहिबा ने और परनामी जी भाई साहब ने इस पद से सुशोभित किया, ये जिम्मेदारी मुझे दिया, तो फिर परिवार को लगा कि शायद ये हमें कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व ने ये बात सोच ली है कि दीक्षा अगर कोई काम कर सकती है
तो उन्होंने इस चीज को फिर बड़े प्यार से अपनाया। यानी कि शुरुआती दौर में अगर कहें तो लड़खड़ाते हुए चले और आज अच्छे मुकाम पर आके खड़े हुए। हाँ, ये मान सकते हैं आप। जैसा कि आपने कहा कि एक युवा के लिए, एक लड़की होने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है राजनीतिक क्षेत्र में आकर के काम करना, क्योंकि हर तरह के वहाँ कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आपको अपनापन दिया, आप आगे बढ़े, किस तरह आप आगे बढ़े और एक युवती के लिए कितना मुश्किल हो जाता राजनीति में आगे सक्रिय होना? देखिए, मैं ये कहूँगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी एक महिला है, हमारी मुख्यमंत्री भी एक महिला है, और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आज इस समय देश को मिले हैं, तो प्रधानमंत्री तो किसी एक पार्टी के नहीं है, मैं तो कहूँगी देश के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट का इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि 5-5, 6-6 फीमेल मिनिस्टर्स आज हैं, जब तक कभी नहीं हुआ। तो कई बार ऐसी चीज़ें देखने के बाद मन में ये तो उम्मीद होती है कि ठीक है, वीमेन्स को रहना चाहिए, जितनी भी जटिलताएँ हों, जितनी भी हमें संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमें रहना है, हमें स्थिर रहना है, हमें खड़े रहना है, हमें बिल्कुल एक अपने आप को बांध के रखना है, क्योंकि बिखरने के बहुत मौके होते हैं, बिखरने के बहुत कई बार ऐसा होता है कि आप डिमोरलाइज हो जाते हो, आप कहीं आपको कोई बात बुरी लग जाती है, कई बार आपको तिरस्कार भी होता है। तो राजनीति में ये चीज़ें तो अमूमन होती है, और बड़े से बड़े आप अगर किसी को पढ़ते हैं, आप किसी आपने किसी की जीवनी पढ़ी है, तो आपको थोड़ा बहुत आभास भी होगा कि हर एक बड़े नेता और एक बड़े राजनेता के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं। तो वो तब वो पॉइंट होता है, तब महिलाओं को ज़्यादा वो चीज़ चोटिल करती है, क्योंकि पुरुष का स्वभाव नहीं होता छोटी छोटी बातों को मन से लगाने का, लेकिन महिला या फीमेल की मैं कहूँगी कि उनको मन में होता है। मुझे भी लगा कि ये तो करना ही है, अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, कोई क्या मानसिकता रखता है आपके लिए, ये आपको नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी और आपका कमल, आपको उसके लिए काम करना है, आपके संगठन के लिए काम करना है। तो मैंने वो काम फोकस करके अब मैं कहीं और सोचती नहीं हूँ। दीक्षा जी, राजनीति में आप आए, विपक्ष के द्वारा बयानबाजी भी होती है, किस तरह बयानबाजी में ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं? Actually, it's my like job. I'm a spokesperson of BJYM. So, it happens in every 2 or 3 days कि मुझे कहीं कभी कभी हम कहें सार्वजनिक स्थल पे भी कोई कांग्रेस भाई मिल जाते हैं, कभी हमें किसी विवाह सम्मेलन में भी कांग्रेस भाई मिल जाते हैं। तो ये तो विचारधारा की बातें, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन बस मैं ये कहूँगी आज देश का युवा खुली बाहों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस सड़कों पर आ जाती, और कांग्रेस अगर हमारे उसमें क्षमता कम होती, हमारे कार्य करने की शैली में कुछ भी त्रुटि होती, तो फिर रोड पे कांग्रेस आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब युवा भी मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम कर रही है, एक ऐसी पार्टी है जो सब वर्गों के लिए सोच रही है। आपके कहे अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए काम कर रही है, विकास कर रही है, तो फिर विपक्ष आए दिन सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहा है? कहाँ आ रहा है सड़कों पर, अंकित जी आप मुझे बताएं। कल ही लाठीचार्ज हुआ है, पानी की बोछारें छोड़ी गई। दो दिन का उनका कोई मुद्दा होता है, आज किया है, कल घर में बैठ जाएंगे। अगर कोई मुद्दा, कोई विषय, कोई ऐसी त्रुटि, कोई ऐसा काम जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट उन लोगों के माइंड में है, तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट करें, काफ़ी समय तक करें। जैसे हमने किया, हमने भी लाठियाँ खाई है, हमने भी सारी चीज़ें सही है, और उनके जितना तो हमने शायद हमारी सोच में भी नहीं है। हमारा तो सिर्फ विकास की ओर है, हमारा तो एक नए राजस्थान की ओर है। अगर मैं बात कहूँ सिर्फ राजस्थान की, तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने एक ऐसी योजना है, मतलब मैं कहूँ उनकी सारी योजना अगर आप उठा के देखें, पालनहार योजना आप उनकी उठा के देखेंगे, आप उनकी अन्नपूर्णा योजना उठा के देखेंगे, अन्नपूर्णा रसोई आप उनकी उठा के देखेंगे, पौध से राशन आप उठा के उनका देखेंगे, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, भामाशाह कार्ड, अनेक योजना मैं आपको यहाँ बैठे बैठे मतलब जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं। और अभी कुछ ही समय पहले जब लाभार्थी सम्मेलन हुआ, तो आपने देखा, मैंने देखा, दुनिया ने देखा, जमाने ने देखा, हर एक व्यक्ति ने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी से लाभान्वित लोग वहाँ थे। वो भीड़ तो नहीं थी जो सिर्फ पार्टी के लोगों को ही इकट्ठी करनी थी, वो तो वो भीड़ थी जिन्होंने सच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लाभान्वित हुए हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसी भी योजना के तहत, किसी भी उनकी स्कीम्स के तहत उन्होंने फायदा पाया, तो वो बड़े खुश होकर वहाँ आए, उनके चेहरे पर वो खुशी थी। तो वो खुशी हम निरंतर चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भी वही किया, महिला को प्रधान बना करके ये दिखा दिया कि महिला अब किसी से ना डरे, और महिला को घर का मुखिया बना दिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बच्चे को दूध पिलाना पालनहार योजना में, उन्होंने जो चीज़ें भी उन्होंने की है वो एक माँ की तरह उन्होंने की है। तो जब ऐसी माँ का प्रेम अगर राजस्थान को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब जनता समझ चुकी है कि ये प्रेम उन्हें निरंतर चाहिए। और बींग ए वुमेन, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है राष्ट्रीय योजना के तहत जो मुख्यमंत्री साहिबा
के द्वारा इतनी अच्छी योजना जिसमें बेटियों के बारे में सोचा गया, छोटी बालिकाओं के बारे में सोचा गया जिन्हें बचपेट में मार दिया जाता था या जिन्हें जन्म भी मतलब नहीं लेने दिया जाता था, और अगर जन्म वो ले भी लेती थी तो उन्हें कहीं फेंक दिया जाता था सिर्फ इस डर से कि बोझ लगती थी। तो मुख्यमंत्री साहिबा ने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है उन सभी विचारधाराओं को एक करके ये ऐसा फैसला राष्ट्रीय योजना का है और ऐसी कई योजनाएं हैं जो बेटियों के हित में है। तो कहीं ना कहीं अब राजस्थान की बेटियां और मैं कहूंगी देश की बेटियां अब सुरक्षित भी है। जैसा कि आपने कहा कि बेटियां सुरक्षित है, अगर बेटियों की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का नंबर आता है बेटियों की असुरक्षा में। आए दिन बलात्कार, रेप, कई ऐसी घटनाएं होती है जो समाज को विचलित कर देती है। देखिए बलात्कार और रेप बहुत मैं ये कहूंगी एक बहुत बहुत ही दर्दनाक एक विषय है जिसके बारे में शायद कोई भी युवती खुल के बात नहीं कर सकती क्योंकि वो सहम जाती है, वो डर जाती है। तो एकदम से तो हम नहीं कह सकते कि एक या दो दिन या तीन दिन या साल या दो साल में हम किसी भी क्राइम को रोक पाएं, लेकिन अगर उस क्राइम को रोकना है तो आपको शुरू करना पड़ेगा। और शुरू आप करेंगे अच्छे भाव से, अगर आप स्ट्रिक्ट होकर या आप बिल्कुल ये माइंडसेट कर लेंगे अपना कि ये हमें रोकना है, तो उसके लिए अगर आपने आज से शुरू किया तो आज के बाद 5 साल बाद 6 साल बाद 7 साल बाद आपको उसका असर दिखने लगेगा। अब जैसे कि डेथ पेनल्टी आ गई है, अभी हुआ भी है रिसेंट, तो ये सब चीज़ें हैं ये होनी बहुत पहले से थी। देश को आज़ाद होने के बाद भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि बालिकाओं के साथ ऐसा हो रहा है या बालिकाओं बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो एक्ट पहले बन जाने थे, ये तो कानून पहले ही बन जाने थे, ऐसी सोच तो पहले ही हो जानी थी, नहीं हुई। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें अपना कदम बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है इस कदम जो उन्होंने ये जो कदम उन्होंने बढ़ाया है ये एक बहुत गति ले लेगा और अब मेरे राजस्थान की और बेटियां बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, एक महत्वपूर्ण कदम ये भी है कि पोस्को में उम्र पर कम किया है, 18 से 12 साल कर दी है, और पोस्को में अगर अपराधी अगर किसी भी बालिका के साथ में अगर उस तरह करता है तो 12 साल की उम्र तक जिन बच्चों के साथ में ये दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आरोपी उसको फांसी की सजा दी जानी, तो उस पर आपकी क्या सहमति है ये बताइए। देखिए मैं ये कहूँगी जनरेशन के साथ साथ मानसिकता भी बदलती जा रही है। आज 13 साल या 14 साल की बच्ची में समझ है, वो अपना अच्छा बुरा देख सकती है। हाँ वो मैं मानती हूँ कि शायद वो इतनी परिपक्व नहीं कि खुद को सुरक्षित कर ले, लेकिन हाँ उसमें इतनी बुद्धि है कि वो किसी भी ऐसी स्थिति में फंसने के बाद भाग सकती है, मौका देख के, मतलब वो एक माइंड सेट है बच्चे का कि वो कुछ कर पाएगा, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं 12 साल से छोटी बच्चियों की तो वो तो बहुत एक ऐसी बात है कि बिल्कुल छोटा बच्चा अगर उसके साथ इस तरीके का काम हो रहा है तो यहाँ पर ये डेथ पेनल्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि बच्चों के साथ ये ना हो। तो मैं इसका पूर्णतः सहमत हूँ कि ये जो हुआ है और अभी कुछ शायद रिसेंटली कुछ ही हफ्ते पहले इसी एक्ट के तहत किसी को फांसी दी गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये सच बात है कि जो गलत है उसको गलत होने के बाद इस तरीके से खुले रोड पे घूमने का तो हक नहीं है। और ये जघन्य अपराध है एक बच्चे के साथ, एक छोटी बालिका के साथ, 1 वर्ष की 2 वर्ष की 3 वर्ष की। और हमारे तो देश की परंपरा है कि हम लड़कियों को देवी और कन्या के रूप में पूछते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होना कहीं ना कहीं मेरे मन को चोटिल करती है। और मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा 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 ये कम होने लगेगा। देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो पोस्को की धारा है वो जरूर उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये जो उम्र थी 18 से 12 साल उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर करी है। दीक्षा जी अब आने वाले विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो युवा राजस्थान का युवा भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों दे आपके दृष्टि से? बिल्कुल देखिए अभी छात्र संघ चुनाव हुए हैं, परिणाम भी आ जाएगा। कुछ चीजें हैं कि चुनाव होना जीतना अलग बात है, अभी हम बात करते हैं क्यों दें। तो क्यों दें वाली बात का प्रश्न का उत्तर ये होता है कि अगर आपको ये लगता है कि देश की महिलाएं सुरक्षित है, अगर आपको ये लगता है कि देश का युवा सुरक्षित है, अगर आपको लगता है कि कोई अगर है जो हमारे बारे में सोचता है, कोई अगर है जो गरीबों के बारे में सोचता है, कोई अगर है जो किसानों के बारे में सोचता है, कोई अगर है जो सच के बारे में सोचता है, और कोई अगर है जो विकास के बारे में सोचता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये जग जाहिर हो चुकी है बात। तो युवा बड़ा इंटेलिजेंट है, आज का युवा बड़ा टेक्निकल युवा है, तो वो ये सोचता है। अगर हम बात करें मोदी जी की, तो आप आज हर व्यक्ति से पूछो, हर युवा से पूछो, उनकी पहली पसंद होती है नरेंद्र मोदी। तो जब जब बात होती है तो यानी उनके अंदर ये ऑब्जर्वेशन पावर है, वो समझ पा रहे हैं कि इनके नेतृत्व के
में रहकर देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा तो राज्य का विकास भी हमें करने हैं, तब जाके देश का विकास होगा। तो एक एक राज्य में हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। तो पूर्णतः एक देश एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा होगा जो हम लोग का सपना है, उसे वापस सोने की चिड़िया बनाने का जो हम लोग सपना देखते हैं, विश्व गुरु बनाने का जो हम सपना देखते हैं, एक मॉडर्न इंडिया बनाने का हम जो सपना देखते हैं, एक हाईटेक इंडिया बनाने का जो हम सपना देखते हैं। तो वो युवाओं की जो सोच है वो देखता है, वो सोशल मीडिया यूज़ करता है, वो देखता है अपने इर्द गिर्द, तो उसको लगता है कि यार भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, इतने विकास कार्य हुए, इतने पुल बनाए, इतने ब्रिज बनाए, ये हुआ वो हुआ, तो स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया का कितना अच्छा है, जिसको जो युवाओं का सबसे पसंदीदा इस समय है। तो ये सब चीज़ें उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और हमारा मेन उद्देश्य, मोदी जी का मेन उद्देश्य, मुख्यमंत्री साहब का मेन उद्देश्य यही है कि जितना हो सके उतना विकास हो, जितना हो सके सबका भला हो, हर घर में बिजली पहुँचे, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, हर घर की महिलाएँ सुरक्षित हो, मुख्यमंत्री जी सोचती हैं, हर व्यक्ति खाना खा के सोए, मुख्यमंत्री जी सोचती है। तो जब इतनी अच्छी सोच के साथ अगर कोई काम करेगा तो अमूमन हम देखते हैं कि पार्टी 5 साल, मतलब पहले जो अपना होता है लोगों के वादे वो सब 5 साल तक वो भूल जाती है, लेकिन निरंतर मुख्यमंत्री साहिबा के हर एक जिले में 5-5, 6-6 बार दौरे होना, यानी मुख्यमंत्री आपके दरबार पे 5-5, 6-6 बार आ रही, इससे बड़ी क्या बात होगी। प्रधानमंत्री जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार सभी राज्यों में जा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री तो देखने नहीं मिल रहे। तो ये लगता है युवाओं को कि अभी हमें भाजपा के साथ ही रहना है। दीक्षा जी, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री दौरे कर रही है, प्रधानमंत्री के राजस्थान में दौरे हो रहे हैं, राजस्थान में एक गौरव यात्रा वर्तमान में चल रही है और विपक्ष जो है कई आरोप लगा रहा है गौरव यात्रा पर। हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए हैं आपकी पार्टी यानी कि भाजपा पार्टी को पूरा ब्यौरा बताने का। तो वर्तमान समय को देखते हुए पार्टी ने भी ये फैसला लिया है कि जो आप विधायक हैं वो अपने खुद के खर्चे से ये यात्रा निकालेंगे। क्या ये हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया या सरकार विपक्ष से डर गया? देखिए, सरकार विपक्ष से तो तब डरे जब विपक्ष कोई ऐसे मुद्दे लेकर आए जिसमें सरकार घिर रही हो या सरकार के कोई गलत काम सामने आ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि ये जो यात्रा में लोगों का प्रेम मुख्यमंत्री साहिबा को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो वो ये डर रहे हैं कि ये तो यात्रा में इतने इतने लोग हैं, हमें तो इतने लोग बुलाने भी, मतलब हम चाहें भी तो भी ना आए, तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बौखलाहट है, उनका डर है। और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हम सब चीज़ मानते हैं, तो मुख्यमंत्री साहिबा का जो यात्रा है उससे कार्यकर्ताओं को भी बड़ा इस समय जोश आ रहा है, कार्यकर्ताओं में भी जोश है कि अब वो काम करके अपना दिखाए। तो मुख्यमंत्री साहिबा की जो ये यात्रा है इसमें युवा मोर्चा का भी अपना एक दायित्व है, युवा मोर्चा को भी अपना एक काम दिया हुआ है। तो हम लोग अपने अपने जब भी मुख्यमंत्री साहिबा की यात्रा होती है उससे पहले हम लोग अपने उसी जिले में जाकर के हम लोग युवाओं से बात करते हैं। और जो आपका प्रश्न था कि युवा क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुने, वो हम फिर वहाँ उनसे पूछते हैं कि आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उनसे हमें कहीं बहुत प्यारे प्यारे उत्तर मिलते हैं, हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि युवा राजस्थान का हमारे साथ है। जैसा कि वर्तमान समय को देखते हुए डिजिटल मीडिया का बहुत वर्चस्व है और डिजिटल मीडिया से भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपना खूब प्रचार कर रही है, तो क्या लगता है डिजिटल मीडिया के माध्यम से युवाओं को रिझा पाएंगे? देखिए, रिझाना तो झूठे वादों से, आदमी झूठा चीज़ों से रिझाता है। आदमी जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उसका काम बोल रहा है, जो आदमी घर घर में अगर कोई लाभान्वित हो रहा है तो उसका काम बोल रहा है, किसी को गार्गी का मिल रहा है, किसी को राशि का फ़ायदा हो रहा है, कोई अन्नपूर्णा से फ़ायदा ले रहा है, कोई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा से फ़ायदा ले रहा है। तो जब हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी स्कीम से जुड़ा है या कोई ना कोई किसी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से जुड़ा है तो वो तो लुभाने वाली बात तो पहली बात हट गई। अब बात आती है कि काम उन्होंने किया, अब जब उन्होंने काम किया है तो युवा के साथ में पूरा परिवार भी, बड़े बुजुर्ग भी, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आके खड़े होते हैं। तो और डिजिटल भारत की हम बात करें तो हाँ, गैजेट्स युग है, मानती हूँ, और युवा दिन भर आजकल गैजेट्स पे ही डिपेंड होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो देखता है, उसका मन होता है, उसे अच्छा लगता है, तो उसे शेयर मिलता है, शेयर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, तो वो जो ओरिजिनल शेयर्स और ओरिजिनल लाइक्स है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी तो आपको पता है बाकी लोगों के कहाँ से आते हैं। तो वो चीज़ है, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जयपुर में भी दौरा है, राजस्थान में भी दौरा करेंगे, तो जयपुर का दौरा आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि राजधानी अगर जयपुर में नरेंद्र मोदी जैसी अगर सभा होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की, तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन, अगर यूं कहे कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना, क्या अमित शाह ऐसा परिवर्तन करेंगे? देखिए, अभी अमित शाह जी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पार्टी की विचारधारा से पूर्णतः मंझे हुए हैं, वो जानते हैं कि कब क्या पार्टी के लिए सही होता है, क्या गलत होता है।
अब हम बात करते हैं अगर चुनाव की, तो चुनाव में तो हर व्यक्ति, जैसे कि बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके पेरेंट्स भी उसे पढ़ाते हैं, उसके दादाजी भी उसको हिंदी पढ़ाते हैं, उसके पिताजी उसको पढ़ाते हैं अंग्रेजी, माँ पढ़ा, तो ये तो चलता है। तो वैसे ही पार्टी के जब चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री साहब भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, संगठन से जुड़े सभी लोग आते हैं और चाहते हैं कि हमारा शिष्य या हमारा पार्टी जो मैं कहूँ वो अव्वल आए। तो अव्वल आने की स्थिति में तो मुझे इसलिए नज़र आती है और आपको भी शायद आ रही है, क्योंकि सत्य के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है, सच्चाई से अगर कोई काम कर रहा है तो उसको कोई डिगा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संवाद अगर हम लोगों से करते हैं या हम लोगों से वो मिलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ पर सभी मंडल अध्यक्षों से पूछिए कि क्या ये काम हो रहा है, या आपके यहाँ पर सभी लोग खुश हैं, कोई स्कीम ऐसी है जो पता ही सिर्फ कागजों में है और हुई नहीं हो। तो जो इतने ग्राउंड लेवल पर जाकर के अगर कोई बात पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं बार बार आपको मार्कशीट मिल रही है, तो आप अपने काम को बढ़ा रहे हो, अपने काम को बहुत ज़्यादा आगे कहते हैं कि इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो मुख्यमंत्री साहिबा करती हैं। और अब जब चुनाव का समय है तो सभी को मिलकर साथ काम करना है, तो केंद्र का तो सहारा हमें चाहिए, केंद्र का सपोर्ट तो अभी चाहिए। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में प्रचलन रहा है कि 5 साल कांग्रेस का और 5 साल भाजपा का, मौजूदा भाजपा सरकार राज कर रही है, चुनाव 2018 के बाद ये प्रचलन यूं ही चलता रहेगा, ये टूटेगा? देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, कभी अंत होता है किसी चीज़ का, और कभी इतिहास रचने वाली बात जो आप कहेंगे होता है ऐसा। तो ये भी इतिहास है कि आज 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज ये भी इतिहास है कि आप कहीं भी जाएं आपको भगवामय भारत दिख रहा है, ये भी आज सत्य है कि हर व्यक्ति, मैं जो कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी अगर विदेश में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ये मेरे देश की कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगी बड़ी बात है, देश के लिए एक बड़ी बात है। और हमारी तो ये विचारधारा नहीं कि विदेशों में जाकर अपने देश की को नीचा दिखाना, जो कि राहुल गांधी जी निरंतर करते आ रहे हैं। तो आपने जो मुझसे पूछा कि तो प्रचलन, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि अब इतिहास मतलब रिकॉर्डेड कुछ काम होने वाला है, तो डेफिनेटली अब मुख्यमंत्री साहिबा की दोबारा हम लोग उन्हें ही देखना चाहेंगे, जनता उन्हें ही देखना चाहेंगे, मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, तो भाजपा की सरकार पुनः बनेगी। और अब तो मैं ये कहूँगी कि निरंतर 7 टर्म तक बने, यानी कि अब 35-40 साल तक हम तो ये चाहेंगे कि अब सरकार चेंज ही ना हो, ताकि पूर्णतः राजस्थान का विकास हो। तो फिर हम फिर आंसरेबल रहेंगे कि क्यों नहीं हुआ विकास अगर 10 साल तक आपके पास सरकार थी। तो जनता को हमें मौका देना पड़ेगा कि 10 साल तक हम सरकार में काम करेंगे, 15 साल तक हम काम करेंगे, तो जाकर राजस्थान का पूर्णतः विकास होगा। और जो आपने कहा कि बालिकाएं जो थोड़ी बहुत आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें तभी होगी जब पूर्णतः आपके पास काम करने के लिए प्रॉपर टाइम होगा। यानी कि आपका कहना है कि इतिहास के पन्ने एक बार फिर उजड़ेंगे और भाजपा के इतिहास की किताब एक बार दोबारा बनेगी। दीक्षा जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, ये कहना है दीक्षा खंडेलवाल जी का। अगली बार ऐसी ही हस्ती से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।